शहनाज गिल ने तोड़ा है अब हिमांशी खुराना का गुरूर भी। और जाने कितने ही ऐसे सितारों का गुरूर तोड़ा शहनाज कौर गिल ने, जो कि शहनाज को अपने सामने कुछ भी नहीं समझा करते थे। और शहनाज गिल के लिए इतनी नफरतें देखने को मिली थी जब शहनाज गिल बिग बॉस के एक सीजन में नजर आई थी। बिग बॉस सीजन 30 में जब शहनाज गिल नजर आई थी उस वक्त शहनाज गिल इतनी फेमस नहीं थी। पंजाब इंडस्ट्री से भी शहनाज गिल को बॉयकॉट कर दिया गया था। शहनाज गिल को कई बार तो शहनाज के साथ ऐसा भी हुआ कि उनसे शूटिंग करवाई जाती, फिल्म में शहनाज गिल का कहीं रोल भी नजर आता, लेकिन उन्हें फिल्म के प्रीमियर के दौरान नहीं बुलाया जाता। और भी जाने क्या क्या शहनाज गिल के साथ किया गया। और जब शो के दौरान ही ये बात पब्लिक के सामने आई तो कुछ लोगों ने तो शहनाज का साथ भी दिया, शहनाज को सिंपैथी भी दिखाई, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो शहनाज गिल के लिए नफरत दिखाते नजर आए, अपनी नजरों में उन्हें छोटा समझने लगे। और उनमें से एक नाम रहा हिमांशी खुराना का भी। अब शहनाज गिल ने हिमांशी खुराना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जो शहनाज की बैक टू बैक फिल्में सामने आ रही हैं उन्हें देखकर जरूर हिमांशी खुराना का गुरूर टूटा है, क्योंकि हिमांशी खुराना एक वक्त पे शहनाज को खुद के सामने कुछ भी नहीं समझा करती थी, वो शहनाज को जाने क्या कुछ कहा करती थी। और अगर आपने दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 को फॉलो किया होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि हिमांशी खुराना शहनाज को लेकर कैसा बिहेव किया करती थी। लेकिन अब देखिए शहनाज ने कुछ ही वक्त में खुद को इतना आगे पहुंचा दिया है कि हिमांशी खुराना अब उनसे बहुत पीछे जा चुकी है। हालांकि हिमांशी खुराना का भी अच्छा खासा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन शहनाज जितना नाम हिमांशी खुराना अभी तक नहीं कमा पाई, जितना नाम शहनाज गिल ने कुछ ही सालों में कमा लिया है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से बनी रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।